तुम लड़का हो, याद रखो, कोई तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं देखेगा, कोई तुम्हारी इमोशन नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा दुख दर्द नहीं समझेगा, कोई पूछेगा तो बस यही पूछेगा कितना कमाते हो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तुम रो, गाओ, जियो, हंसो, कुछ भी करो, लड़का हो बाबू, याद रखना जिस तरह से बैल की जिम्मेदारी होती है ना खींचना पूरे पीछे गाड़ी को, उस तरह आपकी जिम्मेदारी है, परिवार को खींचना ही पड़ेगा। ट्रू रियलिटी है बाबू। दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग लीजिए। लोग कहते ना कि वक्त, समय जो होता है किसी भी जख्म को भर देता है, ये गलत बात है। जख्म को कोई समय नहीं भर सकता है, बल्कि हम क्या होते हैं कि वक्त के साथ साथ उस जख्म के साथ जीना सीख लेते हैं। सब चीज टाइम बर्बाद करना अमृत से पैर धुलना है। ये समय लौट के नहीं आएगा आपके लिए। कितना प्रतिदिन समय नहीं जा रहा, जिंदगी का एक हिस्सा जा रहा है जो लौट के आने वाला नहीं है, जिसको आप लोग हल्के में लेने के लिए कहते हैं समय बीत रहा है। आज गर्दन झुका के पढ़ लो, वादा करते हैं कल जिले में सबसे ऊंचा सर आपका होगा। ना बाबू सोना, ना रोना धोना, सिंगल रहना। तुमको भी गम ने मारा, हमको भी गम ने मार, इस गम को मारे डालो। समझ आ गया कि नहीं? इसलिए एकदम अखंड सिंगल। आप वैसे लोगों से बचिए जो आपकी तारीफ करके आपको बिना मतलब खुश रखता है। देखिए, कुछ सच कड़वे लग सकते हैं, माँ बाप और शिक्षक का डांट थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन वो बाकी जो आपको थोड़ा कठोर बनाना चाहते हैं। सबसे बड़का मोटिवेशन वही होता है जो खून खौला देता है आपका। याद रखिएगा इन चीजों को, एक दिन सबका खून समेत लौटाइए। माचिस से नहीं जलाइएगा, तरक्की से जला दीजिएगा उन लोग को, तरक्की से। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आप याद रखिए, कुछ प्राप्त करने से पहले आपको कुछ त्यागना पड़ेगा। रॉकेट को भी बहुत ऊंचाई तक जाना होता है ना, तो अपने साथ लगे बूस्टर को छोड़ देता है। चंद्रयान भी चांद पे पहुंचा था ना, अपना बूस्टर, जीएसएलवी, पीएसएलवी, लैंडर, पूरा ऑर्बिटर सब छोड़ दिया था। लास्ट में उतरा था तो केवल लैंडर उतरा था, क्योंकि कुछ लोग आपको केवल रास्ते में साथ देने के लिए आते हैं, मंजिल तक आपको अकेले जाना होता है। हार में जाए ऐसे लोग जो रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। समझ आ गया कि नहीं? आत्म सम्मान अगर बेच कर जीना पड़े तो ठुकरा देना इसी जिंदगी को, मौत को गले लगा लेना। जब आत्म सम्मान मर जाए तो व्यक्ति जिंदा लाश कहलाता है। कभी भी किसी को भी समाज के बीच में नहीं डांटना चाहिए। अगर तारीफ करना है तो समाज के बीच में कीजिए, और अगर डांटना है तो उसे अकेले में समझे, क्योंकि बदलना उसे है, दुनिया को नहीं जो दुनिया के सामने दिखा रहे। आपसे नहीं होगा, कैसे मान लिया उस चीज? आपसे होगा क्यों नहीं? आप दौड़िए, नहीं दौड़ सकते हैं, चलिए, नहीं चल सकते हैं, रेंगिए, वरना अगर रुक गए तो रुकने का ही नाम मृत्यु होती है। आपको अंतिम सांस तक लड़ते रहना है। कैसे? जमीन से कभी पेड़ नहीं निकल सकता, पौधा ही निकलेगा। आज सीखिए, क्योंकि अगर कल कोई शुरू करता है आपके पास, तो आपके पास उससे एक दिन का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस रहेगा। और हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। सबसे खतरनाक आदमी होता है एक शरीफ इंसान, जब उसके अंदर से जीने की ख्वाहिश खत्म हो जाए। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादा ना समझ इनको, लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं, मौत समा, मरने का है खौफ का, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। लोग याद रखना, कभी भी व्यक्ति की अहमियत होती है, कपड़े की नहीं। हम हसरतों के सिक्के लेकर खुशियां खरीदने निकले थे, जिंदगी के पहली दहलीज पे जिम्मेदारियों ने लूट लिया। जिस दिन आपको अपनी बुराई सहने की आदत हो जाए, आपको तकलीफ सुनने की आदत हो जाए, जिस दिन आपको कोई गाली दे और आपको गुस्सा ना आ जाए, याद रखिएगा उस दिन आप बड़े हो गए। इस उम्र में आप जिस चीज से बहुत हंसते हैं ना, एक वक्त आएगा उन्हीं लम्हों को याद करके रोएंगे। अभी जिस चीज को लेकर बहुत खुश होते हैं, यही सिलसिला चला तो 5 साल बाद लाइफ में आप लोग भी याद रखिएगा, हमारे विद्यार्थी हैं, कोई कितनो कड़वा बोल दे, कुछ बोल दे, जहर पी लीजिएगा, घोट एकदम, जहर का घोट एकदम, जवाब दिया जाएगा। जितना वक्त लगेगा उतना ब्याज जुड़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तुमने जो दिया है वो एक खरोच है, हम जख्म इतनी गहरी देंगे कि साथ उससे याद रखें। सक्सेस होने के लिए ना आपको ना नींद, आराम, व्यक्तिगत चीजें छोड़नी पड़ेगी, आपको ना छोड़ना पड़ेगा। बिना त्याग किए सोना को भी जलना पड़ता है आभूषण बनने से पहले।
ऐसा नहीं होता कि कोई बिना अपना अधिकार मांगना सीखिए, और अधिकार मांगने से नहीं मिला इसे छीनना पड़ता है। और शिक्षा ये चीज है जो ऐसा हथियार है जो मेटल डिटेक्टर में नहीं पकड़ाता है, इसे कहीं भी ले जा सकते और इसकी मैगजीन की गोली खत्म नहीं होती। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है 20 साल से 28 साल के बीच, सबसे महत्वपूर्ण समय, क्योंकि 20 साल से पहले ना आप अभी सीख ही रहे होते हैं, समझा। ग्रेजुएशन ये अलग बात है, आप अभी सीख रहे होते हैं। 20 के बाद धीरे धीरे घर वाले आपको क्या करते हैं, छूट देते हैं, फिर आप कुछ करना चाहते हैं। तो 20 से 28 आपके जीवन का सबसे स्वर्ण काल है, उस समय आप जो चाहे करना चाहे। वही समय लड़की सबका बियाह करा के झुंझुना देते थे। माँ के लिए ही बना था एक शब्द जिसे कहा जाता था अंधा प्यार। वो शब्द केवल माँ के लिए बना था कि प्यार अंधा होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब पेट में रखी थी ना तो उसे पता ही नहीं था कि लड़का होगा कि लड़की, गोरा होगा या काला, स्वास्थ्य होगा या फिर कहीं तेज डार मत हो जाए, कुछ भी हो जाए, यहाँ पे होता है कि नहीं होता है। वो अंधी है उसके लिए, उसी के लिए एक शब्द बना था कि प्रेम अंधा होता है। और तुम लोग उसको हाईजेक कर लिया, प्रेम अंधा होता है। तुम लोग का प्रेम अंधा होता है तो काहे नहीं किसी टेटार से होता है, काहे नहीं हो जाता है? माँ के शब्द को चुरा लिया कि प्रेम अंधा होता है, ये कभी नहीं होता है प्रेम अंधा। सब शकल देख के होता है, कामयाबी देख के होता है। एक चीज से हमेशा बचिएगा, चाहे लाइफ में कितनी भी परिस्थिति आ जाए, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा। चाहे जो कुछ हो जाए, आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, आप उसे नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। आप हमेशा अपने आप को दिखेगा एट अ टाइम, भले आपको तुरंत अगर आप किसी को नीचा दिखाते हैं तो थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि अरे हम जीत गए, बट वो लड़ाई नहीं जीत सकते। रेस में आगे निकल जाना, रेस जीतना नहीं होता है, बहुत अंतर होता है, कई राउंड की रेस होते हैं। आप तो बहुत सारी, जब तक अपने पैर पे नहीं खड़े रहेंगे तब तक कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। कोई आएगा कैसे मदद करने के लिए आपके ऊपर? आपकी खुद की परछाई भी ना अंधेरे में आपका साथ छोड़ देती है, तो दूसरे से क्या उम्मीद कर रहे हैं? मुसीबत पड़ने पे हर इंसान साथ छोड़ देती है जब अंधेरे में परछाई नहीं छोड़ती। जिस समय आप गुस्सा होते हैं ना, आप अपनी ताकत खो देते हैं। लोहार को भी पता होता है कि लोहा बहुत मजबूत होता है, मुड़ेगा नहीं, तो उसको झोंक के आग में गुस्सा दिलाता है। जिस समय लोहा गुस्से से लाल होता है, अपनी शक्ति खो देता है और मुड़ जाता है। इसलिए गुस्सा सबसे खराब चीज है। लोग कहते हैं कि अहंकार बुरा चीज है, गलत बात। अहंकार वह वृक्ष है जिसके जड़ का नाम है क्रोध। जब तक क्रोध नहीं होगा, तो बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले ऊपर वाला भी ना आपको टेस्ट करता है। हम लोग छोटा सा कोई सामान खरीदते हैं तो उसको ठोक बजा के चेक करते हैं कि सह लेगा कि नहीं सह लेगा। एक छोटा सा बर्तन कोई खरीदने जाता है तो पटक के दिखाता है, देखिए मजबूत है। तो ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका मौका टेस्ट करिए। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ए भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। यार जब ऊपर वाला तुमको खुशी दिया था तो थैंक यू कहना भूल गए थे, और जब मुसीबत दिया चेक करने के लिए तो परेशान हो गए। यहाँ पर घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। और मिजाज में कुछ शक्ति भी जरूरी है, वरना लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। अपने आप को इतना भी सस्ता मत कीजिएगा कि दो कौड़ी का इंसान खेल के चला जाए।